हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई, हम लोग अल्कोहल फ्लोर और ईथर में क्या पढ़ रहे थे? जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने खत्म कर लिया था क्या बताओ, अल्कोहल और फिनॉल, इसका अम्लीय प्रकृति यानी कि अम्लीय गुणधर्म। ठीक है भाई, और मैंने आपको अंतिम लेक्चर में अंतिम भाग में यह समझाया था कि अगर मेरे पास प्रतिस्थापी अल्कोहल है या फिनॉल है तो आप उसकी अम्लता को ना कैसे जांच पाओगे कि कम होगी या अधिक होगी। देखो हमें ना ये बड़ा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि बताओ, एक मेरे पास फिनॉल है जी, इसके पास CH3 है और एक मेरे पास फिनॉल है केवल, इसमें कुछ नहीं है, और एक मेरे पास जो है और है कंपाउंड जी, इसके पास मेरे पास कौन है बताओ? इधर है NO2, कौन है NO2, और एक और हमारे पास दिया हुआ है फिनॉल हो गया, और यहां पर NO2 और यहां भी NO2, ठीक है। और एक मेरे पास और है CH3CH2OH जी। अगर इसको एक कहूं, इसको दो कहूं, इसको तीन कहूं, और इसको मैं कह दूं चार, और इसको मैं कह दूं पांच, तो बताओ इन सभी को सबसे ज्यादा अम्लीय से लेकर के सबसे कम अम्लीय की ओर लगाओ, यानी इसको इसकी अम्लीय प्रकृति की अवरोही ऑर्डर में लगाओ उसको। सेकंड वाला पहले आएगा, सबसे कम अम्लीय कौन होगा? अच्छा सबसे कम तो फिर वो होगा, अच्छा सॉरी सबसे अधिक कौन होगा? दूसरे वाला, ये सबसे अधिक होगा। हाँ जी, आप देखो ध्यान से, तो एक नंबर पे ये आएगा पहले, दूसरे पे इससे पांचवे नंबर, इससे कम कौन आएगा? पांचवा, ये आएगा दो नंबर पे फिनॉल, तीन पे ये वाला आएगा चौथे नंबर वाला, तीन पे ये वाला आ जाएगा चौथे पे, ये आएगा तीसरा वाला क्रिसोल, ये आएगा ठीक है पांचवे पे लास्ट वाला, और ये पांच है। इस प्रकार से ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आराम से छाप सको ना भाई, आता है एग्जाम में, ये एग्जाम में आएगा, इंपोर्टेंट है ये और बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई, देखो छाप लो इसको। अब हम लोग ना बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक पर, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे आज के नए टॉपिक पर, उसका नाम क्या है? एस्ट्रिफिकेशन। सब आपको हिंदी दिखाई दे रहा होगा, एस्ट्रीकरण, ठीक है भाई छाप लिया, एस्ट्रीकरण। देखो ध्यान से सुनो भाई, एस्ट्र का पता करते सुन भाई, एस्ट्र का फॉर्मूला क्या होता है? आर डबल सी डबल ओ है ना, ऐसे COOR जो है एस्टर, ठीक है ना, यार दोनों सेम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है भाई। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, अल्कोहल एवं फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों अम्ल क्लोराइडों एवं अम्ल एनहाइड्राइडों के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं, ठीक है। तो यार क्या क्या बातें कह दी इसमें, सारी बातें कह दी। पहली बात तो ये कह दी कि अल्कोहल के साथ में फिनॉल और अल्कोहल, पहले कहां पर? अम्ल क्लोराइड के साथ में। देखो हाँ भाई क्या कह, देखो ये मैं इसी को लिखूंगा, ठीक है, तो ठीक से लिखूंगा। ये कौन है? AR मतलब होता है एरोमेटिक, बेंजीन नहीं आएगा, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन आ गया, यानी कि अगर फिनॉल की रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, देखो ये क्या हमारे पास में फिनॉल है, ठीक है, और अगर इसकी रिएक्शन हो गई R डैश C डबल बॉन्ड, कौन बोला है? एक मिनट रुकिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। देखो बहुत असली यार नोटिफिकेशन ऐसा तो क्या करे फोन, ओ नो ऐसे बोलता है फोन भी, ठीक है भाई। देखो देखो ध्यान से, ये बताओ ये कौन है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। थोड़ा इसको बेस करो भाई, सिंपल फॉर्म आपको कर दूं एक्सप्लेन। AR हो गया OH, AR कौन होगा? एरोमेटिक होगा, है ना, और साथ में R डैश C डबल बॉन्ड OH, ठीक है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, किसके बताओ? सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब होता है H प्लस आयन, ठीक है, और ये होता है रिएक्शन रिवर्सिबल, मतलब इससे ये बन जाएगा, वापस ये बन जाएगा, ठीक है। देखो तो AR होगा C डबल बॉन्ड O और R डैश, दिख रहा है? नहीं, अरे देख गया, देख गया,
ये एस्टर है, इसकी जो संरचना बनेगी ना देखो ऐसी बनेगी। अच्छा मैं एग्जांपल लेकर तुम्हें समझा देता हूँ। देखो हमारे पास मान लो फिनॉल है, कौन है फिनॉल, फिनॉल है सब जानते हो कि नहीं। अगर हम इसकी रिएक्शन ले लें CH3 सी डबल बॉन्ड O और ये OH के साथ, ठीक है, तो इसका तो O यही रहता है। देखो इसके H के साथ इसके OH का हो जाता है बॉन्डिंग, ठीक है भाई, इसके OH का इसके H के साथ हो जाता है अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। तो जहां से तोड़ो वहीं से बोलता हूं जोड़ो, तो यहां पर क्या बना दे ध्यान से, ओ था है कि नहीं, ओ एच बाहर निकल गया, तो ये देखो ये सी हो गया है ना, और फिर डबल बॉन्ड ओ हो गया और इधर सी एच थ्री दिख रहा है। अब लो एल्कोहल, यहां हमने क्या लिया फिनॉल लिया है कि नहीं, तो फिनॉल मान लो एल्कोहल मान लो भाई, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसमें, और सिंपल रिएक्शन जो है ना ये यहां लिखा हुआ देखो यार जनरल रिएक्शन, ए आर लोगे और ये लोगे तो क्या मिलेगा एनहाइड्राइड, ठीक है ना एनहाइड्राइड, समझ में आ रहा क्या रहा है, दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब होता है रिएक्शन तो बनता क्या है एस्टर, क्या बन गया बताओ ये एस्टर, ये एस्टर है, ठीक है भाई। अब सुनो अब देखो आगे, अब क्या लिया मैंने CH3OH, ये कौन है बताओ एल्कोहल, और अब मैं लूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड, पहले मैं एल्कोहल और फिनॉल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ करवा रहा हूं, ठीक है ना, अरे सब समझ में आया। और यहां जो सामने पानी भी तो बना होगा, इस पानी को तुरंत बनते निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अब सो ध्यान से, वैसे एस्टर जो होता है एस्टर खुशबूदार होता है, परफ्यूम वगैरह भी गिरते हैं, ठीक है। देखो CH3 सी डबल बॉन्ड ओ और OH, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी जब होगी रिएक्शन H प्लस आयन के साथ, H प्लस आयन की उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा बताओ फिर से, इसका H इसके OH के साथ बन जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, और जहां से तोड़ो वहीं से जोड़ो CH3 अरे CH2, ठीक है ना, फिर यहां पर CH2 आ गया, और ये देखो ओ पहले से है ना, अभी CO आ गया, ठीक है ना, और CH3 समझ में आ रहा है ऐसे, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ये हमने लिया क्या लिया फिनॉल के साथ, लिया पहले एसिटिक एसिड की रिएक्शन यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ, अब हम लेंगे ये कौन है, ये हमारे पास है एनहाइड्राइड, क्या है ये देखो एनहाइड्राइड, ये हम अगर तेरे पास एल्कोहल रहेगा ठीक है या फिर फिनॉल रहेगा और उसमें क्या लेगा एनहाइड्राइड का ही होता है सूत्र, देखो ऑक्सीजन होगा सी डबल बॉन्ड यहां रहेगा इधर यहां CH3 मतलब यहां पर कोई R होगा ऐसे R सी डबल बॉन्ड O इधर O फिर सी डबल बॉन्ड O यहां पर R, ठीक है, ये दोनों R अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी, ठीक है भाई ध्यान रखना ना, सेम भी हो सकते हैं और ये अलग अलग भी हो सकते हैं। अब क्या करना है, हमें तोड़ना है, हमें CO बंद तोड़ो, या तो इसको तोड़ लो या फिर इसको तोड़ लो आपकी मर्जी, अगर इसको तोड़ेंगे ठीक है ना तो यहां से H लेके जाएगा, क्या लेगा H लेगा, देखो H प्लस आयन की उपस्थिति में, ठीक है भाई, तो यहां पर जो कौन आएगा ये एरिल यार आ गया O, अब इसके साथ जोड़ना है मुझे C के साथ, जुड़ गया ये रहा और यहां पर R डैश, ठीक है ये क्या बन गया एस्टर, क्या बन गया ये एस्टर, और इसका जो H निकला कहां भागा, ये भगा था साथ में, देखो यहां से टूट गया रहे, टूट गया तो R डैश ये रहा दिख रहा है, फिर कौन है C डबल बॉन्ड O और ये कौन है था बताओ O, O इसके पास आकर H बैठ गया, ये कौन सा है
ये एच है तुम्हारा जो वहां से निकला है फिनॉल के पास से, ठीक है ना। तो ये इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर, सॉरी ये आर नहीं है, ए आर है, ए आर ओ सी ओ और ये आर डैश, ठीक है ना। और ये क्या लिखा जाएगा, ये आर डैश सी ओ ओ एच, तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है, देख रहा है ना। अब लिखेंगे हम इसका एग्जांपल, या आर डैश एक ही दोनों चाहिए वहां पर, कहां पर, उधर एकदम एकदम सेम हो सकता है, ये हाँ ये सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये एनहाइड्राइड होता है, एनहाइड्राइड का सूत्र होता है ये CO, ऑक्सीजन पर, किस पर ऑक्सीजन, आर सी ओ की दो अणु, कितने अणु, दो अणु, दो, ठीक है ना भाई, अरे ध्यान रखे ना, ये होता है एनहाइड्राइड, ठीक है भाई। अब बढ़ते आगे देखो एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा अगर तुम एल्कोहल लोगे तो भी ऐसे होगा रिएक्शन, है ठीक है ना। एग्जाम्पल ले जाएगा उसका, एनहाइड्राइड के साथ में एल्कोहल और फिनॉल की रिएक्शन देखो, एग्जाम्पल मैं तो इधर क्या आ गया, ये फिनॉल आ गया, फिनॉल प्लस अब हम लेंगे एनहाइड्राइड, सी एच थ्री लिया, सी डबल बॉन्ड लिया ओ, फिर यहां पर क्या लोगे ओ, क्या लोगे, फिर यहां पर क्या लोगे सी डबल बॉन्ड ऊपर सी एच थ्री। देख ध्यान से, इस ऑक्सीजन के पास ये वाला समूह दो दो नहीं है, इधर भी उधर भी बिल्कुल है, इसीलिए दो लगा देते हैं। देखो यहां पे अभी लिखा था मैंने सूत्र, कहा लिखा था, ठीक है ना। अब सुनो इस पर हम लोग क्या लगाएंगे, एच प्लस आएंगे एच पर, और ये होता है रिवर्सिबल, मतलब दोनों युद्धक्रम, देखो यहां से तोड़ लो चाहे यहां तोड़ो आपकी मर्जी, लेकिन तोड़ना तो है, ठीक है। देखो मैं तोड़ रहा हूं, ये तोड़ दिया, तोड़ दिया, अब यहां से एच लिखे भाव किसे के पास, इसके पास तो एच जाएगा क्योंकि ये क्या बनेगा, ये बनाएगा एथेनोइक एसिड, देखो ऐसे, और यहां पर बनेगा था फिनॉल का युद्धक्रम, देखो ओहेन के पास में ये ओ, और यहां से टूटा है, अरे टूटा है ना ये सर, टूटे हैं इस तरह से, ठीक है भाई, ये टूट गया तो ये सीओ बॉन्ड उसमें जुड़ जाएगा, देखो सी डबल बॉन्ड ओ एरा सी एच थ्री, ठीक है। अब दूसरा क्या बनेगा था, जो इधर का होगा इधर का ये बनाएगा इधर सी एच थ्री सी ओ ओ एच डबल बॉन्ड ओ उधर ये ओ एच, ठीक है भाई। ये ना एसिटिक एसिड बनता है इसमें, क्या बनता है इसमें, ये हमने क्या देखा, अब एल्कोहल के साथ खुद बनाओ आप रिएक्शन पे, लेख ये मैंने क्या लिया फिनॉल का लिया एनहाइड्राइड के साथ, अब आप मुझे एक रिएक्शन लिख करके दिखाओ, यहां पर मैं लिखूंगा, दिखाओ मुझे उतार तो लो सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, ठीक है भाई, देख प्लस सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया ओ फिर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ठीक है। इसका बनाओ बता दो, यहां पर मैं इस बार चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, सी एच टू और सी एच थ्री, इसका बनाओ उत्पाद क्या बनेगा, उत्पाद बनाए दिखाओ प्रॉपर, ठीक है, प्लस साइड साइड प्लीज, आप सबर करो अभी, देखो हम लोग उसको प्रॉपर से बताओ क्या आ रहा है, देखो अरे भाई क्या बनेगा उत्पाद, तोड़ो इसका भैया बनेगा, देखो यहां से तोड़ो, कैसे तोड़ो आप ही बताइए, कहां तोड़ो, कहीं तोड़ ले सर, यहां से तोड़ ले, ठीक है, देखो तोड़ दिया तो सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू हो गया ओ, फिर ओ आ जाएगा, अब यहां से तोड़ा है ना तो यहां पर सी लाओ डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और ये सी एच थ्री ये रहा, दिख रहा है प्लस, अब जो यहां से टूटा है ना इसके पास ओ जोड़ दो, वो बना एच, देखो ये ओ है ना इधर, ये एच आ गया, ये एच कौन सा आया पता तुमको, ये एच आया और ये ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल, देखो ये देखो दिख रहा है सी एच टू और सी एच थ्री, ठीक है बनाओ, दो हो गया
क्या कह रहे हैं, एल्कोहल और फिनॉल की रिएक्शन हो गया पहले कास के साथ में एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हो गया, फिर हुआ एस्टर बनता है उसमें भी, फिर हुआ एनहाइड्राइड के साथ, अब होगा एसिड हैलाइड। क्या कह रहे हैं देखो, तो ये रहा दिख रहा है, एल्कोहल ले लो या फिर आप फिनॉल ले लो, उसकी रिएक्शन होगी एसिड हैलाइड के साथ RCOCl, आपको उसमें क्या डालना है, पिराडीन। जानते हो स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्षारीय होता है, क्षारीय माध्यम में होगी रिएक्शन और हमें क्या देगा, हमें देगा वो एस्टर। देखो सुनो, ये क्या बताओ, ये है फिनॉल और अगर हम इसमें डाल दें एसिड हैलाइड क्या हो गया, आर डैश ओसिटोन लो। देखो भाई इसे बोलते हैं कार्बोनिल हैलाइड, ध्यान रखना एसिड हैलाइड भी कहते हैं इसको, अम्ल हैलाइड ठीक है ना, या फिर आप इसे कह सकते हो कार्बोनिल, कार्बोनिल हैलाइड, कोई समस्या की बात होनी नहीं चाहिए ठीक है ना। अब क्या हुआ इसमें, हम लोग क्या डालते हैं क्षारीय माध्यम में, हाँ डाल दिया। अब सुनो इसके साथ से सीएल भागेगी कहां, एच के साथ, हाँ सीएल भाग जाएगी ना एच के साथ, गया यस सर। देखो तो क्या बनेगा, ए आर होगा, ओ हो गया, जहां तोड़ो वहीं से जोड़ो, डबल बॉन्ड हो आर डैश ठीक है ना। देखो प्लस एचसीएल प्लस एचसीएल ये बन गया ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें, कोई कोई दिक्कत नो, दिक्कत नो समस्या। देखो तो फिनॉल लो पहले आप इसमें, ले लिया, अच्छा यहां पर आर भी आ सकता है ठीक है, एल्कोहल हो जाएगा, प्लस क्या लिया मैंने, मैंने लिया इथेनॉल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, इथेनॉल क्लोराइड नाम है इसका ठीक है, और डाल दे क्या चीज, पाइरिडीन, और क्या देगा देखो, फिनॉल ओ लगा था गैस निकल के सी डबल बॉन्ड ओ, तो उसको नीचे लिख देना चलो कम हो गया, देखो क्या बनाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा और साथ में क्या बताओ CH3, अरे हो गया ना yes, और साथ में HCl और बनेगा ठीक है भाई, छापो इसको। अच्छा अब तो मुझे एक उत्पाद को दिखाना ब्लॉक करके ठीक है yes, sir. बनाओ CH3 CH2 OH और देखो Cl लिया C double bond O CH2 CH3 ठीक है, आपको ऐसे मिलेगा अधूरा रिएक्शन, इस पर लिख देगा पाइरीडीन ऐसे, बोलेगा पता उत्पाद क्या बनेगा, पूरा करो इसको एक नंबर का आएगा, अभी क्रिया पूर्ण कीजिए तो आपको पूर्ण करना पड़ेगा ठीक है, छापो फटाफट से फिर बढ़ते हैं आगे। देखो तो इसमें क्या बन रहा है, HCl है ना, अब इस HCl को हम लोग चाहते खत्म हो जाए, तो इस HCl को उदासीन करने के लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं, पिराडीन ठीक है ना, ध्यान रखना ना, तो आप यहां पर जो बनाओगे उत्पाद क्या लिखोगे इसमें, CH3 CH3 बना दिया CH2 O O C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 प्लस CH3 CH2 और CH3 आएगा CH3 ठीक है भाई, साथ में HCl नहीं बनाना क्यों, चुप गिर रखा है पाइरीडीन, उसे कर देगा उदासीन ठीक है, ठीक है भाई। देखो HCl को उदासीन करने के लिए, उदासीन करने के लिए, करने के लिए क्या डालते हैं, पिराडीन, पिराडीन की उपस्थिति में, उपस्थिति में अभिक्रिया, अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है, कराई
बात समझ में आएगी ना, छाप लो। इसके बाद हम लोग ना एक रिएक्शन अभी और देखेंगे। सैलिसिलिक एसिड हमारे पास एक फेमस होता है, ठीक है ना, आपने कोर्स में देखो दिया हुआ है, अगर बेंजीन के पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो और OH दोनों हो तो हम इसे बोलते हैं सैलिसिलिक सैलिसिलिक एसिड, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड ना। कितना इंपॉर्टेंट है भाई, अगर हम इसमें गियर दे कहती एनहाइड्राइड गियर दे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, अगर हम इसमें गियर दे एनहाइड्राइड, देखो ध्यान से ये सैलिसिलिक एसिड का सूत्र पता सबको होना चाहिए, अगर हम इसमें गियर दे एनहाइड्राइड CH3CO, इसके दो अणु होते हैं ऑक्सीजन पे और अम्ल की उपस्थिति में होगी रिएक्शन, तो फिनॉल कैसे बाहर निकाल दो, देखो ध्यान से CH3, आप इसको ना रिएक्शन को याद करने के लिए ऐसे लिख सकते हो ऑक्सीजन CH3, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर कौन है बताओ, C ऑक्सीजन हो गया, C डबल बॉन्ड O और देन CH3, ठीक है, देखो ये दोनों चीज सेम ही है, ठीक है ना, तुम रटो नहीं, रिएक्शन को आराम से बना सको, मैं इसका आपको स्ट्रक्चर लिख करके दिखा रहा हूं, ठीक है, ये है सैलिसिलिक एसिड और एक बंद को तोड़ दो, ये तोड़ दिया मैंने, तो जहां से तोड़ो फिर से तोड़ दो, तो इसका एच भगाओ इसके साथ, तो देखो यहां पर कौन था, तो ये था ना, उस पर कुछ नहीं होगा, फिनोल के साथ होगा जो कुछ होगा, तो यहां पर कौन ओ था, नहीं था ओ था, ये टूट गया सी डबल बॉन्ड ओ आ गया CH3, ठीक है, और साथ में देखो ये वाला बनेगा इधर CH3COH, ठीक है भाई, कौन सा एच, ठीक है बताओ, अब इसका नाम क्या है, एस्पिरिन नाम है इसका, एस्पिरिन, एस्पिरिन, ठीक है ना, अब ये क्या बन गया, एस्पिरिन बन गया, तो ये एस्पिरिन जो होता है पीड़ाहारी ज्वरनाशी यानी कि एंटीपायरेटिक होता है, ठीक है ना, एनाल्जेसिक यानी कि दर्द मारने वाला होता है, ठीक है ना, डिस्प्रिन की बहन एस्पिरिन, ठीक है भाई, अरे भजन आ गया, यस सर, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी सैलिसिलिक एसिड में हम लोग डालते हैं एनहाइड्राइड, अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं इसकी अभिक्रिया, तो हमको प्राप्त होता है एसिटाइल ग्रुप लग करके और ये बना लेता है एस्पिरिन और साथ में मिलता है इथेनोइक एसिड, समझ में आ गया, कोई हार्ड इसमें कुछ गया, नो सर, नहीं ना, तो इस तरह की ना आपको चीजें याद करनी चाहिए, ठीक है, आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, चाहे बोर्ड कोई सा भी हो, स्टेट बोर्ड हो चाहे सेंट्रल बोर्ड, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका है ना यहां तक देखने के लिए, ठीक है, अगली क्लास में हम लोग समझेंगे क्या, अभी आपने सी ओ एच में से ये बंद तोड़ा, अब हम लोग इस बंद को तोड़ेंगे, ठीक है ना, अगली क्लास में, तो आप सुन एक बार ये लिख लो कि एस्पिरिन क्या होता है, एस्पिरिन ज्वरनाशी, ज्वरनाशी पीड़ाहारी गुण होता है इसका, ठीक है भाई, ज्वरनाशी पीड़ाहारी और शोथनाशी, शोथनाशी, शोथनाशी गुण वाली होती है, ठीक है भाई, तो आपको समझ में आ गया होगा जो एस्पिरिन होता है क्या खास बात है इसकी, इस एस्पिरिन की खास बात यह है कि ज्वरनाशी यानी कि एंटीपायरेटिक बुखार को भगा देता है, दूसरी बात पीड़ाहारी पेन किलर होता है, ठीक है ना, और गुण उसमें होती है, ठीक है ना, इसी तरह के वीडियो के लिए भैया चैनल को करो सब्सक्राइब, ठीक है ना, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम, थैंक यू।